तमाशा बनाया गया है उसकी वजह जो दी जा रही है वो SCO कॉन्फ्रेंस को वजह करार दिया जा रहा है शहराज साहब, लेकिन असल वजह क्या है आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, लोग भी जानते हैं। टाइमिंग बड़ी अहम है, जिस तरह से आज के फैसले की टाइमिंग बड़ी अहम है और जिस तरह से 25 अक्टूबर से पहले ये तरमीम करानी है, टाइमिंग बड़ी अहम है। ये कंटेनर रखे जाने की टाइमिंग भी उसी से मिलती जुलती है शहराज साहब। थैंक यू आसमा, बात यह है कि टाइमिंग बहुत अहम होती है और आप जिस मर्जी चीज की आड़ में गवर्नमेंट है जो मर्जी कर लें। पहले तो मुझे बैरिस्टर साहब पे बड़ी खुशी हुई, मुझे खुशी होती है जब आजकल PTI मौलाना के गुण गा रही होती है। देखिए वो मान रहे हैं, बड़े जलसे किए, अब नो मान रहे जलसे, तो अच्छी बात है। सियासत में ये जो पॉजिटिविटी है और आपसी मोहब्बतें जो हैं चाहिए और जी जी मोहब्बतें 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 जो है वो आजकल पंजाबी में कहते हैं गूरी हुई हैं, गूरी हो गई। देखिए जो शंघाई तामुन तंजीम की कॉन्फ्रेंस है वो 15 तारीख के करीब है इस्लामाबाद में, और अभी इसमें जो मेजर इशू है वो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर है और उनका एक डेलीगेशन है जो बिजनेस टॉक्स कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो वाले इश्यूज हो सकते हैं और उस पर नहीं है। देखिए मौलाना इस वक्त काफी चीजों में बहुत लीनियंट एटीट्यूड दिखा रहे हैं, ट्रस्ट मी कि इस वक्त वो जाहिर कर रहे हैं कि जो उनके ऊपर एक एलिगेशन था कि हर गवर्नमेंट के अंदर वो 7 शामिल होते हैं, इस गवर्नमेंट से उनकी रिजर्वेशन थी, उन्हें ऑफर भी की गई, वो नहीं शामिल हुए पर उनकी रिजर्वेशन रही, और जब अभी गवर्नमेंट ने उनको मिले तो उसमें उन्होंने अपनी रिजर्वेशन भी शो की कि उस समय तो आप लोग मेरा फोन भी नहीं उठाते थे। पॉइंट यहाँ पे ये है कि मौलाना इस पर पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, सारों को मिलाने की बात कर रहे हैं, आईनी तरमीम पे उनकी भी रिजर्वेशन है, वो इस चीज को कैटेगोरिकली कह चुके हैं थोड़ी देर कबल कि मैं मुकम्मल गवर्नमेंट के साथ इस पर नहीं हूँ। इसका मतलब है वो भी मुसवदा मांगते फिर रहे हैं। मुसवदे का आलम यह है कि हर बंदा चाहे वो गवर्नमेंट हो, अपोजिशन हो, मौलाना हो, स्पीकर हो, मिनिस्टर्स हो, वो एक दूसरे की शक्ल देख कह रहे होते मुसवदा कहाँ है, और मुसवदा मीडिया पे चल रहा है और उसकी भी ऑथेंटिसिटी कोई नहीं कह रहे कि आया वो चबन के चबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग फॉर दैट, काशी प्रॉब्ली कुड क्लियर मी फॉर दैट, वो सही है या नहीं है। गुजारिश ये है कि देखें गवर्नमेंट नहीं चाह रही कि PTI कहीं पे भी एहतजाज करे, क्योंकि इसमें कोई दो रियलिटी नहीं है कि लोग मल्टीपल चीजों के सताए हुए हैं और PTI एक बड़ा जलसा करने की पोजीशन में है, खासतौर पर जो KP के से उनकी CM की मौजूदगी में और CM के साथ जो लाओ लश्कर आता है वो उसको एक बड़े जलसे में कन्वर्ट कर सकता है अगर उसको इजी एक्सेस दे दी जाए। तो अगर इस मौके पे एक बड़ा जलसा हो जाता है और PTI अपनी स्ट्रेंथ शो कर देती है तो गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट और बाकी उनके जो अलायज हैं उनके लिए ये एक हार्ड हिटिंग चीज होगा, क्योंकि वो अभी इस पे स्टैंड ले रहे हैं कि PTI की जलसी है। मरियम औरंगजेब के ट्वीट सामने देखे हैं, वो कह रही है इतने बजे का टाइम सेफ सिटी की, इतने बजे की फुटेज फलाना टिमकाना, वो उसके बाद की डिटेल्स में नहीं आ रहे।